जी है, खड़ा हो जाओ बाबू। क्या नाम हुआ आपका? माई सेल्फ रोमा राय। अच्छा, कहाँ से हैं आप? फ्रॉम लाल बाजार। लाल बाजार से है? यस सर। यहाँ पर स्टडी कर रही, कैसा अनुभव हो रहा है? सर बहुत अच्छा। मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन की, लाइब्रेरी में गया, लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत? नो सर। लड़की के लिए मतलब किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जो छोटी बहन है चाहे आपसे बड़ी भी दीदी है, वो लोग ज्वाइन कर सकता है? यस सर बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नो। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग शिक्षा के क्रम में जी हाँ डोरीगंज चिरान में पहुंचे हैं, जहां पर शिक्षा के क्रम में क्रांति हो गया है। और लाइब्रेरी जो कि हम लोग जहां तक शहरों में बड़े बड़े महानगर मेट्रो सिटी में देखते थे, वो ग्रामीण क्षेत्र तक पधार चुका, ये कितनी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब ये ग्रामीण क्षेत्र में पधार चुका है तो जो सुख सुविधाएँ हैं, मतलब जो शहरी क्षेत्र में महानगर में हम लोग देखते हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा के साथ। जैसे यहाँ पर हमने सुना है, ऐसे भी हमको बात करवाते हैं, कोई स्लॉटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब बच्चे अगर एक एडमिशन ले लेते होते हैं, वो भी एक छोटी सी फी में, तो वो अपने दिन भर आकर के क्लासेस कर सकते हैं। और यहाँ पर एजुकेशन से लेकर के हर शिक्षावादी फैमिली से जुड़े हुए आदमी जो इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किए हैं, तो आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा, हर तरीके से आपको पढ़ाई में सपोर्ट, अनुशासन और हर सुख सुविधा है, जो कि आपको आगे के वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। चाहे पार्किंग हो, चाहे ठंडा वाटर हो, चाहे कैंटीन का सुविधा हो, चाहे लड़की के लोग के लिए सेपरेट रो ही नहीं रखा गया बल्कि सेपरेट रूम रखा गया है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चियों के लिए जो भी अपने बच्ची को यहाँ भेजने से हिचकिचाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ये NH 19 से सटा हुआ है और NH 19 से डायरेक्ट आप उतरते हैं, किसी भी ऑटो से कहीं से भी आते हैं, चिपस में ही चलता है, उन्हीं के प्रिंसिपल के द्वारा चलाया जाता है। तो आप आइए यहाँ पर ज्वाइन करिए। आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लाए हैं सुबह, कुछ बच्चों से बात करवाते हैं और बच्चों से बात करवाने के बाद से एक आध बच्चों से बात करवाते हैं, उसके बाद इनके डायरेक्टर से बात करवाते हैं। यहाँ पर काफ़ी जो बच्चे हैं काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं और एजुकेशन का आनंद ले रहे हैं। और इसी क्रम में एक बच्चे हैं नौजवान, खड़ा हो जाइए बाबू। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हेमंत यादव। चलिए, कहाँ से हैं आप? चिरान से। यहीं चिरान से हैं, तो लाइब्रेरी में आज ज्वाइन किए हैं, आज ही ओपनिंग हुआ है जी, आज ही। कैसा यहाँ पर आपको अनुभव फील हो रहा है? सर यहाँ पे किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए उसको शांति माहौल चाहिए, और यहाँ पे आइएगा तो आपको शांति माहौल मिलेगा, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, तो आप यहाँ से अपना जो भी तैयारी करना चाहेंगे आप यहाँ पर आके आराम से कर सकते हैं। आज आप ज्वाइन किए, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन जैसे ये कोई समय की पाबंदी है कि आप 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा के बाद से घर चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं? सर और जगह लाइब्रेरी में ये रहता है कि मतलब समय पे पाबंदी रहेगा कि आपका समय हो गया और उसके बाद वहाँ से हटा दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे है कि आप आइए पढ़िए, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? सर हम SSC CGL का तैयारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। और अपने फ्यूचर में सफल होइए। तो ये थे हेमंत बाबू जो कि चिरान के थे, काफ़ी मेहनती छात्र हैं। और सबसे सुंदर बात लगा कि इन्होंने बताया, अपने बात को अच्छे तरीके से रखा। आइए एक और हीरो से बात करते हैं। क्या नाम हुआ ब्रदर आपका? सर हरिओम यादव। कहाँ से हैं आप? सर डोरीगंज से। डोरीगंज से हैं? कैसे पता चला कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो लाइब्रेरी इतना बृहद स्तर पर खुला है? सर ये हमारे दोस्तों के माध्यम से पता चला कि इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, लाइब्रेरी है, इसमें आप आके पढ़ाई कर सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं पढ़ाई में। इसके पहले भी आप कहीं लाइब्रेरी में कहीं पे पढ़ाई किए हैं? हाँ सर, ऐसे तो मैं 3 साल से लाइब्रेरी कर रहा हूँ। तो वहाँ पे और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में खुला है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा सुविधा हुआ करता होगा? नहीं, ऐसा तो है जैसे टाउन में एक मिथ है, थोड़ा सा है कि चलो टाउन में चलते हैं, लाइब्रेरी है जो कुछ है, बट यहाँ पे गांव में खुलने के कारण है कि थोड़ा सा बच्चे टाउन में ना भागेंगे, टाउन में अपने 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, प्लस एक्सपेंडिचर कुछ खर्च होगा, एक्सपेंडिचर भी है, अब जो भी है थोड़ा सा इन्वायरमेंट वहाँ का अलग है, गांव का इन्वायरमेंट अलग है, गार्जियन। बड़ा चीज़ है कि देखिए बच्चे के मुँह पर जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप यहाँ पर बच्चे जो है पहले दिन ही इतनी खुशी के साथ है। कोई बच्चे को सबसे बड़ी खुशी है कि स्लॉटिंग का कोई झंझट नहीं है, टाइमिंग का कोई झंझट नहीं है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हर चीज़ का सुविधा है। आइए यहाँ पर और कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। एक हमारे आर्मी कलर में जिगरा भाई, ये चित कपड़ा ड्रेस में खड़ा हो जाइएगा और काफ़ी मेहनत करें, थोड़ा दिखाइएगा इनके वीडियो को भी। कौन सर का क्लास कर रहे हैं अभी? हम SKS भाटिया के। अच्छा, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? SSC GD। अभी फॉर्म उन्होंने एक बार दिए कि नहीं अप्लाई? अभी पहला बार देंगे। आज यहाँ पे जुड़े, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। एसी का ठंडा हवा लग रहा है? लग रहा है। अच्छा, अनुशासन वगैरह? बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगल बगल से कोई मतलब है डिस्ट्रैक्शन? ना कोई दिक्कत नहीं। आने वाले बच्चे आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। देखिए हमारे छोटे भाई थे राजेश बाबू, कहाँ से आप? मानुपुर जहांगीर। देखिए मानुपुर जहांगीर से आगे पहले दिन ही, कैसे पता चला?
और फ्रेंड के माध्यम से पता चला। तो देखिए दोस्त दोस्त को बताता है, तो आप लोग अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो जरूर अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि देखिए जब तक आप यहाँ पर आइएगा नहीं, देखिएगा नहीं, तब इसके बारे में अनुभव नहीं करिएगा तो फील कैसे करिएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है हमारे में क्या है, क्या कमियाँ हैं, आप अगर बता सकते हैं तो आप यहाँ पर आइए और इस चीज़ को देखिए और खुद अनुभव कीजिए। और इतना बड़ा हम बता देते हैं, मतलब जो डायरेक्टर सर थे उनसे तो बात करवाएंगे, उनसे बात किए कि आपको तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपेंड हो गया, तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, समाज के कल्याण के लिए अगर इतना बात है तो सर चलता है। आइए एक और हीरो से बात करवाते हैं। खड़ा हो जाइए बाबू, खड़ा हो जाइए। कहाँ से हैं आप? जलालपुर। जलालपुर से है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC CGL। SSC CGL क्रैक करना है? यस सर। इंटर कब किए? 2024। इस साल नहीं किए हैं? यस सर। और इस साल ज्वाइन कर गए, कितना मार्क्स आया था इंटर में? 425। 425 आया था? यस सर। तो देखिए बच्चे 425 नंबर ला करके और लाइब्रेरी के प्रॉपर सदस्य बन चुके हैं। यहाँ पर आप तो आज पहले दिन आए हैं, तो पहले दिन आए यहाँ पर, आप क्यों ज्वाइन किए? मतलब और कहीं भी ज्वाइन कर सकते थे, अपना बताते आप यहीं पे क्यों ज्वाइन किए? आपको क्या इसमें दिखा कि आप ज्वाइन कर गए? सीधा खोल के बताइए ताकि जो बच्चे आने वाले हैं वो सुने। हम बहुत सारे लाइब्रेरी गए लेकिन यहाँ जैसा सुविधा कहीं नहीं था जी, इसीलिए यहाँ बेस्ट लाइब्रेरी है, इसीलिए हम यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। बेस्ट लाइब्रेरी है, सब चीज़ यहाँ पर सुविधा है, कोई भी यहाँ पर आपको जहाँ भी जाइएगा वहाँ से सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है। अभी तक जहाँ तक हम गए हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी में गए पढ़ने के लिए, लेकिन यह बेस्ट है अभी तक जहाँ तक हमको पता है। जो भी मैनेजिंग कर रहे हैं वो लोग ब्रदर की तरह, भाई की तरह व्यवहार करते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अपने फैमिली में। आप बॉयज है, अगर कोई लड़की आना चाहे यहाँ पर, बॉयज आपसे पूछते हैं, लड़की लोग से तो पूछा जाएगा, उनके लिए यहाँ पर मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों के लिए सेपरेट रूम है। सेपरेट रूम बनाया गया है यहाँ पर, जो भी लोग हैं वे लोग दोनों आदमी को अच्छा से गाइडेंस देते हैं लोग जी, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज हो या गर्ल्स हो कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक बाबू जो कि जलालपुर से थे और इसी तरह इंटर किए हैं और काफ़ी अच्छे अंकों से पास किए हैं, और बहुत सुंदर लगा इनसे बात करके। एक और यहाँ पर नौजवान हमारे भाई हैं, जाते क्रम में खड़ा हो जाइएगा, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। थोड़ा लाउडली बोलिएगा। रवि कुमार। रवि जी कहाँ से हैं आप? चिरान से हैं सर। तो यहाँ पर आज ज्वाइन किया, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, यहाँ के क्षेत्र के बच्चों के लिए समाज के लिए एक अलग चीज़ देने की जो व्यवस्था को चालू किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ के डायरेक्टर है रोहित आनंद जी, उनका व्यवहार विनम्र व्यवहार, पहले से भी वो स्कूल चलाते हैं जी, और पता चला है कि लाइब्रेरी खुला है, बच्चों ने मुझे बताया है। हम यहाँ आए, बच्चों ने बोला कि चलिए इस संस्थान में, वहाँ पे जाइए और यहाँ जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो बच्चों के हित में, और सबसे बड़ी चीज़ कि एक बच्चे के लिए जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्होंने सब मुहैया कराया, सब उपलब्ध कराया, बच्चों से बात करके कि आपकी क्या चीज़ों की दिक्कत है, किसी भी तरह की परेशानी हो तो बेझिझक आके आप हमसे बोल सकते हैं बिना डरे। उनका एक ही मोटिव है कि पढ़ाई में बच्चों के बीच कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, पैसा नहीं आनी चाहिए और किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप लोग को बात करवाते हैं। यहाँ पर लड़की का सेपरेट रो रखा गया है और वहाँ पर किस प्रकार से बच्ची या छोटी बहन जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो ये एक सेपरेट सर रो है।